इंदौर के कई बार थाना प्रभारियों पर अपराधियों से गठजोड़ के मामले सामने आते हैं। ऐसे ही मामले में सिटोरियों से रुपयों का लेन देन को लेकर तेजाजी नगर के थाना प्रभारी प्रीतम सिंह पर कार्रवाई की बात सामने आई है। इंदौर के तेजाजी नगर थाना प्रभारी प्रीतम सिंह ठाकुर पर पहले भी कई बार अपराधियों से गठजोड़ के आरोप लग चुके हैं। इससे पहले खजराना थाने में भी भूमाफियाओं से संबंध के चलते उन्हें लाइन अटैच किया गया था, जिसके बाद कुछ दिन पहले ही तेजाजी नगर थाना प्रभारी बनाया गया था। वहां पर भी सटोरिए को पकड़कर उसके साथ गठजोड़ करने की बात सामने आई है। इसके बाद आला अधिकारियों द्वारा फिर उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया है। तो वही थाने के दो सिपाही सावंत और राकेश पर भी विभागीय जांच बिठाई गई है। पुलिस इस तरह के, जैसे कि हमने बताया कि अपराधियों के खिलाफ हर संभव कार्रवाई कर रही है। बड़ी संख्या में 15-20 दिनों में 75 से ज़्यादा आर्म्स पकड़े गए थे, जिसमें कि काफ़ी उन्नत किस्म के थे। साथ ही बड़ी संख्या में अवैध शराब पकड़ी गई है। अगर हम पिछले 15-20 दिनों की बात करें तो लगभग 8 से 10 बड़े, 1-10 हज़ार से लेकर 1.5 लाख रुपये तक अलग अलग उसमें ये अपराधी जिनके ऊपर इनाम घोषित था उनको पकड़ा गया है। तो पुलिस ने इसमें लगातार कार्रवाइयाँ की हैं और इस कड़ी में ही आने वाले दिनों में ऐसे लोगों के विरुद्ध जिला बदर और NAC की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं जिनका हाल के दिनों में ही सक्रिय आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, उस बिंदु पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। साथ ही साथ आने वाले दिनों में जो आपराधिक पृष्ठभूमि मुक्त जो प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स हैं जिनके खिलाफ चैन स्नैचिंग लूट जैसी वारदातें की हैं, उनकी भी सूची बनाई जा रही है ताकि उनके फिर जो संपत्तियां हैं उनका भी आकलन कराया जाएगा कि कहीं वो अतिक्रमण में तो नहीं है, और उसका अन्य टीमों के साथ उसका सर्वे करके आगे कार्रवाई की जाएगी।